as a kid, I was very over emotional. I was very oversensitive. And जो over emotional या over sensitive लोग होते हैं उनको वो चीज़ें absorb भी बहुत कर लेते हैं. Even मुझे बुरा लगता था कि I used to snap at people on set. Associate पे snap कर गया. तो मुझे कुछ था कि कोई मसला है. I don't feel ashamed in admitting it that I started going to therapy लोगों के पास and I told them कि ये चले ठीक है लोगों ने तो मेरे साथ जो किया वो किया but if I keep taking that as a sahara कि उन्होंने मेरे साथ किया तो मैं कभी भी अपनी faults को correct नहीं कर सकूँगा. जैसे मुझे घर में मैं constantly complain करता हूँ कि loud आवाज़ में कोई चीखे नहीं मुलाजमों पे नहीं because I have a problem with noise now. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान ज़ोर से बात करता है उसके पीछे एक नेगेटिव इमोशन है. ये बाइपोलर वाला जो मसला है आहिस्ता आहिस्ता सही हो रहा है. मेरे मूड स्विंग्स बेहतर हो गए हैं. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जैसे मैं कहूँगा कि गुनाह मिस्टेक्स रियली बिग मिस्टेक्स दैट आई मेड इन माई लाइफ दैट आई कैन नॉट रियली कन्फेस टू देम एंड माई थेरेपिस्ट नोज अबाउट ऑल दीज थिंग्स. तो उन पर मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूँ कि मुझे माफ़ कर दें उन चीज़ों पे. बिकॉज जब आप सेल्फ रियलाइजेशन के मोड में होते हैं ना तो एवरीथिंग कम्स बैक टू यू. आई मीन आई एम मैरिड टू अ क्रिश्चियन वुमन और मुझसे लोग पूछते हैं कि आप मतलब एज डायरेक्टर्स क्या सोच के लाए थे आप. मैंने कहा मैं तो एक इतना प्यारा इंसान उसके अंदर देखा था मैंने तो सोचा ही नहीं था कि रिलीजन बीच में है.